बेगम जहां। जी नवाब साहब। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अल्लाह, इतना नायाब तोहफा। और हमारी दूसरी बेगम कहाँ है? वो आपके लिए तेल गरम कर रही है। क्यों? अरे वो आपको पनीर के पकौड़े पसंद है ना, इसलिए। वो चूंकि आप हमारी सबसे अजीज और सबसे पसंदीदा बेगम हैं, तो हमें आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। जी फरमाइए। आइए। दरअसल हम तीसरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। क्या? हमारी मोहब्बत और हमारी खिदमत में ऐसी क्या कमी रह गई थी नवाब साहब? ये सब हम अपनी मरहूमा अम्मा जान के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्या आपकी अम्मा जान आपकी तीन शादियां करवाना चाहती थी? हमारी अम्मा जान बचपन से हमारे दिल के सबसे करीब थीं, तो वो जिस चीज की भी ख्वाहिशमंद हुआ करती थीं, हम उस ख्वाहिश को एक के बजाय तीन बार पूरी करते थे। फिर जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने हमारे सामने बहू की ख्वाहिश रख दी, तो उस ख्वाहिश को पूरा करने की वजह से हम दो बार शादी तो कर चुके हैं, तीसरी बार करने जा रहे हैं। अगर हमारे अल्फाजों से आपके दिल को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। नवाब साहब, आपका आपकी अम्मा जान के लिए मोहब्बत देखकर हम तो कायल हो गए। तो क्या आपने हमें माफ कर दिया? माफ करने वाले हम कौन होते हैं? माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है। अगर आपने तीसरी शादी की तो हम आपको अल्लाह के पास भेज देंगे। फिर आप जाने और अल्लाह जाने।